हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट. माय सेल्फ ऋषिका. और आज हम लोग एक न्यू मैगज़ीन पढ़ने वाले हैं, डाउन टू अर्थ. ओके, ये मैगज़ीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है. आपको इन्वायरमेंट के बारे में, जो भी बायोडायवर्सिटी के बारे में, बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है. आप करेंट से रिलेवेंट भी टॉपिक्स इसमें सर्च कर सकते हो. और आपको एक ऐसी स्टैटिक सेक्शंस भी मिलती है ना, जो आपको किसी भी न्यूज़पेपर और बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी. ओके, और इसमें आपको ऑथर्स की भी अपनी कुछ व्यूज़ मिलती है, जो कि आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है. तो इन्वायरमेंट सेक्शंस के लिए ये बहुत ही बेस्ट बुक है, डाउन टू अर्थ. आपको ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड पोर्शंस भी काफ़ी इसमें कवर हो जाते हैं. अगर आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो भी आपको ये मैगज़ीन रेफ़र करनी चाहिए. ज्योग्राफी एंड यू मैगज़ीन के साथ साथ डाउन टू अर्थ मैगज़ीन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये क्या करती है ना कि कुछ एक ऐसे सेक्शंस को पकड़ती है हर मंथ और उस पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस देगी. ओके, जैसे आज का हमारा है इन कन्वर्सेशन विद प्लांट्स. तो यानी हम लोग प्लांट्स के बारे में इन डेप्थ देखने वाले, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें देखने वाले, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड बातें देखने वाले, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आप हर एक चीज़ के लिए अगर आप देखोगे ना, तो सारे एग्जाम में आपको ये इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं. तो ये आपका एनालिसिस पावर भी बढ़ाता है और मैगजीन्स तो ऐसी भी पढ़नी चाहिए. ओके, इसलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ मैगजीन्स की भी एनालिसिस देते रहती हूँ, पढ़ाते रहती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि बुक से हट के भी कुछ एक नॉलेज होनी चाहिए. ओके, बुकिश आपको बुक वॉर्म बनने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद का एनालिसिस देखो, आप कुछ व्यूज़, कुछ बड़े बड़े ऑथर्स लोग का एनालिसिस देखो, वो क्या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलते हैं, तो वो ना आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत ही अच्छा आप कुछ लिख पाओगे, कुछ सोच पाओगे. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन. और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये ज़्यादा मोटी नहीं होती है, बहुत पतली सी मैगज़ीन होते हैं. आप देख सकते हो कि इसमें आपको टोटल 60 पेजेस दिख रहे हैं. ओके, तो ज़्यादा भी मोटी नहीं होती है, आप वन रीड में, वन गो में इसको कंप्लीट भी कर सकते हो. तो आज हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज़. तो इंडस्ट्रीज़ में कैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करना है ये देखते हैं हम लोग. तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, जैसे कि आज के डेट में हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, वाटर अवेबिलिटी देख रहे हैं, पॉल्यूशंस देख रहे हैं, वाटर जनरेशंस, डिस्पोजल्स, ये सारी चीज़ जो है ग्लोबल अटेंशंस को कंसीडर कर रही है. इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये एक मेजर यूज़र्स है, जिसमें कि हम लोग जो है रॉ मटेरियल्स को काफ़ी यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी को काफ़ी यूज़ किया जाता है, पॉल्यूशंस के सोर्स को यूज़ किया जाता है, और साथ में वेस्ट जनरेशन भी काफ़ी होता है. ओके, इंडस्ट्री से आप देखोगे कि वेस्ट जनरेशन होता है, जिसके कारण जो है पॉल्यूशंस भी बढ़ती है, जो कि एक मेजर रोल है. और ये आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंटल इशूज़ के लिए काफ़ी मेजर रोल निभा रही है इंडस्ट्रीज़. इन्वायरमेंटल मैनेजर्स देखें इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चैलेंजिंग टास्क दिखेगी, जिसके थ्रू जो है इंडस्ट्री को क्लीन रखना, कॉम्पिटिटिव रखना, कॉम्प्लाइंट रखना, नेशनल और इंटरनेशनल रूल्स, एक्ट और ट्रीटीज़ को फॉलो करने में, ये काफ़ी काफ़ी यहाँ पे आपको चैलेंजिंग टास्क देखने को मिलेगी. सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है, ये आपको देखने को मिलेगी कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आई है, जिसके थ्रू इंडस्ट्री की कैपेसिटी को बिल्ड कर सकती है, और ये काम कर भी रही है पास्ट 2 डिकेड से. और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजर्स को ट्रेंड भी कर चुकी है. तो अब ये टाइम है कि 4 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, जो कि आपका स्केड्यूल किया गया है फरवरी 2019 में न्यू दिल्ली में होने वाली है. ओके, तो यहाँ पे टेक अवे होगा, जिसमें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया जाएगा, जिसमें कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी पार्टिसिपेंट्स के बीच में. और जो यहाँ पे प्रोविजंस दिया गया है वो है कि इन्वायरमेंटल लॉस बताया जाएगा, जिसके थ्रू जो है बेटर कंप्लाइंस कर सके. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी इन्वायरमेंट मैनेजर्स की, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके थ्रू वो लीगल रिक्वायरमेंट ले सकेंगे और स्ट्रेंथन कर सकेंगे जो भी सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है. प्रोसेस एंड प्रोसीजर देखने को मिलेगा, जो कि इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए होगा. यहाँ पे कंसेंट दिया जाएगा, जिसके थ्रू इस्टेब्लिश होगी कंसेंट टू ऑपरेट होगा. तो ये सारी चीज़ें पे होगा, जिस पे कि वहाँ पे वर्क किया जाएगा. इम्प्लीमेंटेशंस पे फोकस दिया जाएगा, जो भी आपका कंटिन्यूस इमिशंस मॉनिटरिंग सिस्टम है. इंडस्ट्रीज से देखते हैं कि हमारा बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकल कर आती है, कार्बन इमिशंस भी काफ़ी होता है, तो इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर काउंटरिंग की जाएगी. इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे लगाया जाएगा, साथ ही इसको इम्प्लीमेंट करने की बात रखी जाएगी. ओके, प्रोटोकॉल अगर देखें तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑडिट भी किया जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे. अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके थ्रू हम लोग GRI यानी G4 गाइडलाइन को भी इन्फोर्स में लाएंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए आपका होने वाला है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में. ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, तो छोटा मोटा आपको ध्यान रखना चाहिए. साथ ही अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल्स जो है वो है रिवॉल्ट ऑफ द रिच एंड द पुअर, यानी पुअर और रिच के बीच में जो लड़ाई है वो हम लोग देखते हैं.
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब हम लोग न्यू ईयर में इंटर कर चुके हैं, यानी 2019 में, और 2016 जो है वो आपका एक ईयर था जिसमें कि रिच लोगों को रिवेंज लिया जा रहा था, और इलेक्शंस यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत कर आए थे, साथ ही ब्रेक्सिट की भी बात यहीं से स्टार्ट हुई थी। ओके, 2017 में देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रिवेंज था क्लाइमेट चेंज के लिए, कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग को बेटर करना है। जो भी वेदर आज के डेट में और 2017 में ज़्यादा टेरिबल हो गया था, ख़तरनाक हो गया था, तो उसको भी कॉम्पैक्ट करने की बात की थी। 2018 में क्या था कि यहाँ पर आपका रिवॉल्ट हुआ था कि जो भी ऑलरेडी रिच है और जो पुअर है उनके बीच में। यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगी कि ये ईयर जो है आपका किस चीज़ के बारे में बात करेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो भी चेंजेस हुई है उनको रियलाइज़ करने की 2019 में बात की जाएगी। तो जो मैसेज है 2018 का वो मोस्टली आपको स्ट्रीट्स में देखने को मिलेगा, यानी पेरिस टू दिल्ली देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ज़रूरत है समझने की कि कैसे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं करेंट इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल ऑर्डर को लेकर। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है कि वो आसानी से इनहेल नहीं कर रहे, जो भी उनका एयर है उनको वो आसानी से इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे। काफ़ी लीवर इन्फेक्शन भी देखा गया है इस पॉल्यूशन के कारण। एटमोसफेयर में आपको देखने को मिलेगा कि PM2.5 पार्टिकुलेट की मैटर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चैलेंजेस है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो कि गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, हमारे इंडिया भी फोकस कर रही है, साथ में वर्ल्ड में देखे तो फ्रेंच गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है कि जिससे ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमीशंस है वो कम हो सके। 80% जो पीपल है वो कम्युनिकेट करते हैं कार में इन फ्रेंच में, वो बाहर आके कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते हैं, वो पैक्ड जगह पर कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ओपन एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहते, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो चुकी है वहाँ की स्थिति। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि ग्रीन हाउस गैस को जल्दी कॉम्पैक्ट करना होगा, जल्दी रिड्यूस करना होगा, जिससे कि हमारी इन्वायरमेंट पे जो है अच्छा असर पड़ सके और हमारी इन्वायरमेंट हेल्दी हो सके। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया जाता है छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि काफ़ी इस आपको देखने को मिलेगा। एक छोटी सी होती है जैसे GM इन योर स्टमक। ओके, सो GM फूड की बात की जा रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की बात की जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऐसा एक स्टडी मिला है इंडिया में, जैसे कि दिल्ली बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट सेंटर थी साइंस और इन्वायरमेंट के लिए, तो उन्होंने टेस्ट की है जो भी 65 फूड प्रोडक्ट्स है ना GM की, GM इंग्रेडिएंट्स थी उन फूड प्रोडक्ट्स में, तो उसको टेस्ट की है। और यहाँ पे हॉरर चीज़ देखने को मिला है कि GM जीन जो है वो आपको 32% देखने को मिली है इस प्रोडक्ट में, और यहाँ पे 80% जो है ना वो इंपोर्ट किया हुआ है। यानी रिसर्चर जो है वो यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट है ना इसमें सोयाबीन, कॉर्न और रिप सीड्स और कॉटन सीड्स ऑयल, ये सारी चीज़ें मिक्स मिक्स की गई है। और ये जो क्रॉप है ना, ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट है, जो कि आपका 99% उस एरिया में आपका ग्रो किया जाता है, यानी ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप्स में के अंडर में इसको ग्रो किया जाता है वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। और इसको कुकिंग ऑयल के लिए भी यूज़ किया जाता है, ब्रेकफास्ट सीरियल के लिए, और ये ईट फूड के लिए भी, मीन्स रेडी टू ईट फूड, यानी सिर्फ आप इसको हाफ पकी भी रहती है और हाफ इसको किसी भी पानी में बॉयल करके या फिर आप इसको तेल में फ्राई करके आप खा सकते हो, और इन्फेंट फार्मूला भी है इस पर। ओके, तो ये आपको दिखा रही है कि हॉरिबल है कि 32% ही यहाँ पे सिर्फ इस प्रोडक्ट में आपका GM जीन है, लेकिन 80% जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है, बाहर से हम लोग लाते हैं। तो हमारे लिए तो ये GM जो क्रॉप है वो अच्छा नहीं माना जा रहा है। नो कंट्री फॉर वीमेन, यानी इंडिया का रैंक है 108 आउट ऑफ 149 नेशंस, जो कि लिस्ट किया गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में। यहाँ पे हम पीछे है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से भी साउथ एशिया में देखे तो। ये काफ़ी आपको देखने को मिला है कि एम्बैरसिंग मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा रैंक मिला है 149 से 108, वो भी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। फिर मोर H1N1 केसेस जो है इंक्रीज़ हुआ है। H1N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हमें देखने को मिला है कि इस मंथ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। पेस्टिसाइडल किलर देखे तो यहाँ पे क्रोटोफॉर्स जो ब्लेम कर रही है, जिसके कारण जो है 14 डिवोटीज का डेथ हो गया था कर्नाटक में दिसंबर 2018 में, और यहाँ पे 23 चिल्ड्रंस की भी डेथ हुई थी बिहार में। ओके, तो ये पेस्टिसाइड्स किलर है।
वाटर रिड्यूसिंग की बात करें तो एक ग्लोबल एनालिसिस किया गया है रेनफॉल पे और रिवर पे, जो कि पाया गया है जो इंटेंस रेंज हो रहा है ना, यानी जो इंटेंस बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो यहाँ पे आपका रेनफॉल और जो वाटर रिवर है ना उसकी जो वाटर लेवल है वो बढ़ गई है। वाटर सप्लाई अगर देखें वर्ल्ड में तो वो डिक्रीज़ हो गई है, जिसका मतलब है कि सॉइल्स जो है ज़्यादा ड्रायर हो गई है और इनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ क्रॉप क्रॉप को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर हम लोग वर्ल्ड ऑफ केप टाउन की देखें तो डाउन टू अर्थ रिपोर्ट जो है वो रेनफॉल प्रोजेक्शंस पे इस सेंचुरी जो है वो शो कर रहा है कि ट्रेंड जो चलते आ रहा है ना सदर्न अफ्रीका में वो डिक्लाइन हो रही है, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर और फ्रीक्वेंट ड्रॉट देखने को मिला है, जो कि आपका आने वाला डिकेड में भी होगा। यानी जो केप टाउन में बहुत ज़्यादा ही आपको डिकेड वहाँ पे ड्रॉट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब देखते हैं फैक्टरिंग इन अफ्रीकाज हेल्थ, तो अफ्रीकाज हेल्थ में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक कवर स्टोरी यहाँ पे देखा गया है हेल्थ इन अफ्रीका में, जिसमें कि वो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो डाउन टू अर्थ को थैंक कहना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सटेंसिव कवरेज लेकर आया है लेटेस्ट जो हेल्थ स्टेटस है अफ्रीकन कंट्री का। उसमें अगर कॉरेस्पॉन्डेंट देखे तो यहाँ पे ग्रेट जॉब है जो कि हाईलाइट किया जा रहा है कुछ वाइटल इशूज़, जिसमें कि आपको अफ्रीका के कुछ स्टेट की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नेशंस जो है वो कभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो प्रिवेंटिव मेजर्स होती है उनमें इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि लोगों की लाइफ को भी सेव कर सकती है और साथ में बेटर वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी भी दे सकती है। यहाँ पे होप लगाया जा रहा है कि कुछ डिजीज़ेस जो है वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड है और अथॉरिटीज़ जो है वो इसको इम्प्रूव यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के थ्रू जो है वो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि टॉयलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको अवेलेबल कराने की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने की बात कर रहे हैं जिसमें कि लेस स्मोक हो और डस्ट भी कम हो। ये जो कंट्री है इस कंट्री को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक अच्छा आइडिया दिया जा रहा है जिसके थ्रू बेयर फुट जो डॉक्टर्स है अफ्रीका में वो रेंडर कर रहे हैं फर्स्ट एड सर्विस और एलिमेंट्री ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स को जिनको कि इस तरीके की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और हॉस्पिटल से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है उनको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ इंडियन डॉक्टर्स हैं और हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं जो कि अपना वॉलेंटियर्स दे रहे हैं इस सर्विस में, जिसके थ्रू जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें और नर्सिंग होम्स की बात करें, तो यहाँ पे सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट जो है उन पेशेंट्स को देना चाहिए जिसके थ्रू गुडविल जेस्चर निकल कर आए। इंडिया जो है ऑलरेडी एक गुड नेम अर्न कर चुका है मेडिकल टूरिज्म में। अगर हम लोग देखें तो पेशेंट्स को जो डेवलप कंट्री में होते हैं वो क्वालिटी ट्रीटमेंट रिसीव कर रही है बहुत ही कम कॉस्ट में अपने ओन कंट्रीज़ में, तो ऐसा इंडिया जो है वो ऑलरेडी ऐसा गुड नेम जो है वो रिकव अपने गुड नेम जो है वो अर्न कर चुकी है। तो ये जो डिज़र्व किया जा रहा है इनके अप्रिसिएशन और इनकरेजमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको इंडिया की कुछ जो पार्टिसिपेशंस है वो देखने को मिलेगा। अब देखते हैं डिमांड्स ऑफ डोमेन्स डिमोनेटाइजेशन, तो ये रेफ़र किया जा रहा है कि जो फ्लिप फ्लॉप हुआ है डिमोनेटाइजेशन का वो क्या है, तो कैरेट किया जा रहा है फोर्टनाइट पेज मीन्स 16 through 31 December के पेज में इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं देखने वाले हैं। अब कुछ देखते हैं आगे की न्यूज़, इसमें छोटी छोटी आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक्स में न्यूज़ होती है लेकिन काफ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेल्पफुल रहती है। अब नेक्स्ट है नीड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन जो है मेनली ह्यूमन सोर्सेज में इसको देखा जा रहा है, जिसके थ्रू कंबशन कंस्ट्रक्शन माइनिंग एग्रीकल्चर इन इन सब के थ्रू जो है एयर पॉल्यूशन हो रही है, जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर रही है एयर पॉल्यूशन। और मोटर व्हीकल इमिशंस देखें तो वन एक लीडिंग कॉज है एयर पॉल्यूशंस का। अगर दिल्ली में देखें तो यहाँ पे इमिशंस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। स्ट्रैटेजीज़ जैसे कि फ्यूल क्वालिटी हो, स्ट्रिंजेंट इमिशंस हो, स्टैंडर्ड हो, या फिर आपको देखने को मिलेगा हायर मेजर कॉज जो है वो आपको एयर पॉल्यूशंस की हायर एनुअल टैक्सेस जो है वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट का देखने को मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा और पब्लिक के द्वारा जो इसमें टेक केयर ही नहीं लिया जा रहा है, इसमें इनका जो है कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा है जिसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर पाई। यानी आपको दिल्ली की सड़कों में काफ़ी पर्सनल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी, जिसके कारण जो एयर पॉल्यूशंस है वो ज़्यादा ही बढ़ गई है। ओके, तो इम्प्योर एयर हो गई है जिसको कि अब सर्टेन ज़रूरत है कि इसको अच्छे से क्योर किया जा सके। नेक्स्ट है कंपेनिंग विमेन, यानी ये रेफ़र किया जा रहा है जो भी रियल और फ्रिक्शनल है। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं
इसमें बताया जा रहा है कि ऑथर कह रहे हैं कि जो भी विमेन की जो पोजीशंस है हमारे इंडिया में वो पहले से तो थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को फोकस करना होगा रूरल एरिया की विमेन पे, क्योंकि वो काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही है लेकिन उनको उस तरीके की रिकॉग्निशंस नहीं मिल रही है। वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रही है लेकिन ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उनको अच्छे से सपोर्ट करे। ओके, और विमेन का ज़रूरत है कि उनको फैमिली का सपोर्ट मिले, सोसाइटी का सपोर्ट मिले, साथ ही गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले जिसके थ्रू वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बन सके। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस और मैगजीन में क्या है। तो यहाँ पे है, टैल्कम पाउडर कैन कॉज कैंसर। एक प्लानिंग के अनुसार ये रेस्ट्रिक्ट लगाया गया है कि टैल्कम पाउडर जो कॉस्मेटिक की होती है वो नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट और जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है वो काफ़ी काफ़ी डेंजरस है। ओके, कनाडा ऐसा प्लान कर रही है। एक ड्राफ्ट रिपोर्ट निकाला गया है जो कि हेल्थ कनाडा के द्वारा, जिसमें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है पब्लिक हेल्थ के लिए कि वो जो भी टैल्कम यूज़ करते हैं वो काफ़ी जो पाउडर यूज़ करते हैं वो डैमेज कर सकता है उनके लंग्स को। ओके, यूजिंग प्रोडक्ट्स, इस तरीके की प्रोडक्ट्स जो कि टैल्कम फीमेल ज़्यादा यूज़ करती है, जैसे कि बेबी पाउडर होती है, डायपर क्रीम होती है, बाथ बॉम्ब्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ओवेरियन कैंसर के लिए काफ़ी पॉसिबल है। ओके, इसमें साथ ही साथ ये असेसमेंट किया गया है कि जो इन जेनेटिक टैल्क होते हैं ना, जिसमें कि फूड और ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पाउडर कॉस्मेटिक होते हैं, आई शेडोज होते हैं, ब्लशेज वगैरह होते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं ह्यूमन वीमेन के लिए। ओके, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओवेरियन जो कैंसर है वो ज़्यादा इससे बढ़ने की चांसेस होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उड़ीसा जम्बू थ्रेट, यानी उड़ीसा जो है एक आपको ग्रेवयार्ड देखने को मिलेगा जिसमें कि एलिफेंट कुछ ज़्यादा ही है और यहाँ पे 67 जो है उनमें से डेथ कर चुके हैं 9 मंथ में, जो कि एक डेटा रिलीज़ किया गया है वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा के द्वारा। एक इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है जो कि आपको 2018 दिसंबर में ये डेटा निकल कर आई थी, जिसमें कि ये डेटा बता रही है कि एलिफेंट जो 18 एलिफेंट डेथ की थी वो नेचुरल कॉज के द्वारा की थी, 19 जो है उनका कुछ अभी तक रीज़न ही नहीं पता चला है, 4 जो डेथ हुआ है वो पोचर के द्वारा हुआ है और 9 जो इसमें से है वो लाइव वायर के द्वारा, यानी जो तार वगैरह होते हैं ना उनसे सट जाते हैं ये सारे एलिफेंट और उनकी डेथ हो जाती है। 11 जो है वो आपको सैगिंग लाइंस के द्वारा जो है मरते हुए दिखे और 6 जो है वो आपको ट्रेन के द्वारा। तो इस तरीके से टोटल जो है 67 एलिफेंट का डेथ हुआ है उड़ीसा में। ओके, ऐसा बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पे एक आर्टिकल है, जस्ट 2% ऑफ यमुना चोक्स इंटायर रिवर, यानी अगर हम लोग देखें 22 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ यमुना जो कि आपका वजीराबाद से लेकर ओखला दिल्ली में है, यहाँ पे 76% जो पॉल्यूशन लेवल है ना रिवर में वो बस मैक्सिमम डिस्चार्ज जो कि अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट है, यानी इंडस्ट्रीज से जो कचरा निकलता है उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट रिवर में डंप कर दिया जाता है, और जो घर की कचरा होती है डोमेस्टिक वेस्टेज होती है उसको भी रिवर में डंप कर दिया जाता है, उनके कारण जो है 76% जो है यहाँ पर पॉल्यूशन देखा जा रहा है यमुना में। ओके, तो यहाँ पे दिल्ली चीफ सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं कि रिवर जो है फाइट कर रही है, जिसके थ्रू वो जिंदा रहने के लिए अभी भी फाइट कर रही है, और यहाँ पे रिजुविनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है जब तक मिनिमम इन्वायरमेंटल फ्लो जो है उसके थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाए, वर्चुअली यहाँ पे रिड्यूस करना चाहिए, जिसके थ्रू जो भी आपका ड्राई एरियाज है उसको भी ड्राई रखने की बात करनी चाहिए, और 9 मंथ्स जो है इस साल में पूरे साल में जो ये रिवर है ना ये सूख चुकी है, यानी इसमें इतना कचरा जम गया है ना कि ये रिवर में अब फ्लो ही नहीं हो रही है, पूरी तरीके से ये जाम हो चुकी है। ओके, इस तरीके की चीज़ बताई जा रही है। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ होती है जो आप अपने एसे राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो, अपने आंसर में भी कोट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद अगर एक आर्टिकल देखें तो यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स रेयर बर्ड टू जर्मन फ्रॉड, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है एक्सपोर्ट कर रही है 100 ऑफ रेयर पैरट्स, यानी जो बहुत कम पाए जाते हैं ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, तो उन पैरट्स को जो है जर्मन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है। यहाँ पे अगर देखें 6 मंथ इन्वेस्टिगेशन के बाद गार्जियन ने ये फाउंड किया, जो बर्लिन बेस्ड एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन पैरट है वो रिसीव कर रही है एक एक्सपोर्ट परमिशन, जिसके थ्रू 232 बर्ड्स को जो है 2015 से लेकर 2018 के बीच में ट्रांसपोर्ट किया गया है, और यहाँ पे थ्रेटेंड स्पेसिस भी इंक्लूड है, जैसे कि आपका गो बाउडिन ब्लैक कॉकटोज। ओके, सो बाउडिन ब्लैक कॉकटोज भी आपको याद रखना है जो कि आपका थ्रेटेंड है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मल्टीपल क्रिमिनल कन्वेंशन है जिसमें कि 5 ईयर जेल सेंटेंस हुआ था इन लोगों को जो कि फ्रॉड पाए गए थे 1996 में, तो वो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलेगा कि उन्होंने इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट रिकॉग्निशन से अलाउ करके वो इस तरीके की बर्ड को जर्मनी में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, उसके बाद एक टॉपिक है आपका, विमेन आर नाउ एन इम्पॉर्टेंट वोट बैंक। तो ऐसा कहा जा रहा है कि विमेन जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोट बैंक में,
तो वोट बैंक इंक्रीज़ हो सकती है, नंबर ऑफ़ वोट भी इंक्रीज़ हो सकती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक है कि वाटर फाउंड इन नियर बाई एस्ट्रॉयड बेनू, तो ये एक एस्ट्रॉयड है बेनू जिसमें कि वाटर पाया गया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ट्रेस हुई है, जो कि आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा वाटर की है, वाटर होता है H2O, ओके, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यहाँ पे पोटेंशियल है कि लाइफ हो सकता है इस एस्ट्रॉयड में, जो कि आपको रॉक की सरफेस देखने को मिलेगा एस्ट्रॉयड बेनू। और ये बेनू जो आपको एस्ट्रॉयड है, ये नासा के द्वारा पता किया गया है, नासा की एक स्पेस है ओसिरिक्स रेक्स, जो कि रिटर्न होगी 2023 में, लेकिन उन्होंने एक एस्ट्रॉयड की सैंपल्स को अभी भेजा है जिसके थ्रू वाटर मिले हैं इस बेनू में। ओके, एस्ट्रॉयड्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो अभी भी डेब्रिस को लेफ्ट ओवर कर रहे हैं सोलर सिस्टम से, जिसका कि फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो आप कह सकते हो। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे है इंडोनेशिया गेट्स फर्स्ट यूनिफाइड मैप। ओके, ये छोटी छोटी न्यूज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो अभी फर्स्ट यूनिफाइड मैप जिनको मिला है, तो वो है इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया आप मैप में दे सकते हो, ये पूरी इंडोनेशिया है। ओके, तो जो इंडोनेशिया गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसेंटली एक पब्लिश की है लॉन्ग विटेड मैप, जो कि फर्स्ट टाइम उन्होंने पब्लिश की है, और वो जितने भी लैंड यूज डेटा थे ना, उनको यूनिफाइज किया गया है, और कंसीव किया गया था 2011 में ही, लेकिन यूनिफाइड मैप जो है अभी ड्रॉ किया गया। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको 85 एग्जिस्टिंग डिस्परेट मैप्स देखने को मिलेगा, जो कि 9 डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो इंडोनेशिया में अगर आप देखोगे तो मोर देन 70,000 जो आइलैंड है वो कंबाइन करके एक लैंड बनाया गया है, सी इसके चारों ओर देखने को मिला है, और 17th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जा रहा है इंडोनेशिया का। अगर वाइन ट्रेच अगर ऑफिशियल मैप में देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इंडोनेशिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में बड़ा है। ओके, आइलैंड बहुत सारे हैं इसमें आपको 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से स्कैटर्ड है। तो यहाँ पे आपको माइनिंग परमिट्स भी दिया गया है, फ्री ट्रेड जोन भी है, ऑयल और गैस ब्लॉक्स भी है, फॉरेस्ट्री एरिया भी है इंडोनेशिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में क्या क्या है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। तो चलिए एक आर्टिकल देख लेते हैं यहीं पे, लिसन प्लांट्स टू स्पीक, यानी प्लांट भी कुछ कहती है। ओके, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1880 में हुआ था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उन्होंने ऐसा कहा था कि प्लांट जो है वो लाइट को सेंस कर सकती है, यानी लाइट आती है तो प्लांट को ये समझ में आता है, लाइट को थोड़ा फील कर सकती है, मॉइस्चर, ग्रेविटी, प्रेशर या फिर कोई भी पोजेस्ड सेवरल जो भी क्वालिटीज़ होती है ना इन्वायरमेंट में, उन सारी चीज़ों को प्लांट भी सेंस कर सकती है। ये ओवर द ईयर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ये प्रूफ कर चुके हैं, जो कि प्लांट्स जो है वो भी एक सेंटिनेंटल बींग है, और साथ में वो मूव भी करती है और रिस्पॉन्ड भी करती है जैसे जैसे उनको सेंसेशन मिलता है। ओके, तो यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सियल सब्जेक्ट था, ये अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी में बढ़ा हुआ है। और मोनिका गैगलियनो ने, एक रिसर्च एसोसिएटेड प्रोफेसर है, जिन्होंने ये बताया था कि जो उनकी ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल थी उसमें से ये निकल कर आया था कि प्लांट में भी एक न्यू रिसर्च हुआ था जिसमें ये भी निकल कर आया था कि प्लांट में भी सेंस करने की ताकत है। ओके, तभी तो वो अपना प्लांट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स देती है। अगर वो सेंस नहीं करती, वो एक डेड एनिमल नहीं है, प्लांट भी एक लिविंग बींग है, ऐसा तो हम लोग भी समझते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी दिनों से इसको प्रूफ करने के लिए ये जो है आपका चलता आ रहा था एक एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पर एक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ओरियंगम। ओके, ओरियंगम का मतलब है कि थैंक यू फॉर लिसनिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द प्लांट्स, मीन्स अगर प्लांट के जो लैंग्वेज अगर उसको आप सुन पा रहे हो तो इस वर्ड को कहते हैं ओरियंगम। तो ये वर्ड है, वोकैब है, आपको एक अच्छा करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है वर्ड। ये एक तरीके का वर्ड नहीं है, लेकिन इसको ह्यूमन बींग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो बोला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ सुना जा सकता है, क्योंकि प्लांट जो कहते हैं ना उसको हम लोग को सुनना पड़ेगा, तभी हम इस वर्ड की मीनिंग को समझ पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे जनरल अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत सारे काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करते हैं, जैसे कि स्मेल हो गई, साउंड हो गई, लाइट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जिसके थ्रू अपना एक गुड चॉइस वो लेते हैं और एक फैटल एरर भी वो अवॉइड करते हैं। अगर इसी आइडिया पर देखें तो इंस्ट्रक्ट किया गया था आयाहुमा के द्वारा, जो कि एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की थी पीज में, पी होती है ना मटर, मटर में उन्होंने एक डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट की थी, जिसके थ्रू उन्होंने देखा था कि जो कैसे रूट्स जो है वो अपना डायरेक्शंस चूज़ करते हैं और करेक्टली लीड करते हैं, जैसे कि उनको वाटर मिलता है और जैसे ही उनको कुछ क्यूज अवेलेबल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर आप प्लांट को रखो, ओके, प्लांट को दो जगह रखो, एक ओपन एयर में रखो और एक क्लोज्ड एयर में रखो, ओके,
ओपन रूम में रखो और एक क्लोज रूम में रखो, जैसे कि प्लांट हमारे गार्डन में होती है, और एक आप अपने प्लांट अपने रूम में रखो, जहाँ से सनलाइट आएगी ना, सनलाइट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी ना, आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट की भी मूव जो है ना उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तभी वो अपना फल फूल बना पाती है। ओके, तो आप देखो कि अगर उसको क्लोज रूम में भी रखे हो और एक कहीं से भी होल कर दो, या तो विंडो ओपन कर दो, अगर विंडो से जहाँ से उनको सनलाइट मिलेगी प्लांट्स को, प्लांट की भी डायरेक्शन वही मूव हो जाएगी। ओके, तो यानी ये क्या हो रहा है कि प्लांट भी सेंस कर पा रहे हैं कि उनको समझ में आ पा रहा है कि सनलाइट कहाँ से आ रही है। ओके, तो वो उनको सनलाइट की ज़रूरत है, इसलिए वो सनलाइट की तरफ ही मूव कर रही है, और उसी डायरेक्शन में उनका ग्रोथ होते चला जाएगा। अगर आप देखोगे तो वो स्ट्रेट भी ग्रोथ होता है और बेंड होकर भी ग्रोथ करने लगती है जहाँ से उनको सनलाइट की डायरेक्शंस मिलती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। और जो रूट्स निकलती है ना, तो आप देखोगे कि अगर कोई भी ऐसे पौधे जिनको सनलाइट की ज़रूरत है, जिनको वाटर की ज़रूरत है, अगर इन दोनों के बिना अगर उनको आप ऐसे ही वो कर दोगे मिट्टी में, अगर उनको उपजाने के लिए दे दोगे, तो वो उपज नहीं हो पाएगी। ओके, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको कि बिना सनलाइट और बिना ज़्यादा मीन्स बिना तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैक्सिमम भी सनलाइट की रोशनी नहीं मिले और मैक्सिमम वाटर नहीं मिले, तो वो अपनी उपजाऊ कर लेती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसी है ना जो ऐसा उपजाऊ नहीं कर पाती है, उनको वाटर चाहिए ही चाहिए, उनको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। ओके, तो वो अपने आप में ही वो डिकम्पोज हो जाती है मिट्टी के अंदर, अगर आप उसको शोन किए हो तो। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट को भी ना एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग के जैसा बताया जा रहा है, कि वो भी कुछ बोलती है, वो भी कुछ सेंस करती है, वो भी कुछ समझती है। ओके, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अगर इनके पर्सपेक्टिव से देखें तो जो भी इकोलॉजिकल और लॉजिकल इंटरप्रटेशंस हो रही है, यहाँ पर पी को क्या था ना कि उन्होंने एक वाटर के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया, जो कि बहुत थोड़े से डिस्टेंस में था, लेकिन पीज जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ना मटर के साथ, तो मटर ने वाटर की प्रेजेंस को वो वहाँ पे डिटेक्ट कर पाए और इस्टेब्लिश कर पाए, जो कि डायरेक्ट और सेंसिबल रूट होता है ना, उसके थ्रू वो अपना जो भी इस्टेब्लिशमेंट करना था पीस को, अपने प्लांट को, वो वहाँ पे कर पाए। ओके, तो ये भी एक तरीके की आपको देखने को मिलेगी कि चमत्कार ही टाइप की है, कि प्लांट्स में भी इतनी सारी सेंस है। ओके, ये आप देख सकते हो 1 मीटर कितनी अच्छी यहाँ पर फिगर बनाई गई है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अपने रिसर्च में बताती है कि नेक्स्ट 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 स्टेप में क्या की, कि वो एक इस्टेब्लिश की, या तो पी को वो रिस्पॉन्ड करने देना चाहती थी कि जो भी वाटर की साउंड है, या तो वो सिंपली वो ग्रो हो सकती थी जो भी उनको एक सोर्सेस मिल रहा था नॉइज़ का, या तो क्या नेचर है जिसके थ्रू जो है वो साउंड को एक्चुअली वो समझ पा रही थी। ओके, प्लांट के बारे में, पीस प्लांट में ना ये साइंटिस्ट जो थी वो काफ़ी रिसर्च की थी, जिसके थ्रू वो जानना चाहती थी कि क्या रियली में प्लांट के अंदर भी सेंस है, क्या रियली में प्लांट के अंदर भी ऐसा कुछ है कि वो चीज़ों को समझ पा रही है, या फिर हमारे जैसा अंडरस्टैंड कर पा रही है, उनको जो चीज़ ज़रूरत है उस तरीके से वो वहाँ पर मूव कर पा रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों पर वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ओके, यहाँ पर वो अपना पूरी तरीके से एक्सपीरियंस बता रही है कि उनको कैसा लगा, वो क्या क्या चीज़ कर रही थी, जिसके थ्रू जो है उनको ये समझ में आया कि प्लांट में भी एक जीव है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि, तो यहाँ पे वो बताती है कि वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीज का एक्सपेरिमेंट की थी, तो वो देखी थी कि कुछ पीज़ के ऊपर वो डेली वाटर देती थी, कुछ पीज़ को कम वाटर देती थी, और कुछ पीज़ को वो बिल्कुल भी वाटर नहीं देती थी। तो उसके तौर पर उनको देखने को आया कि जो पीज़ को सबसे ज़्यादा डेली वाटर मिलता था, वो पीज़ जो है अच्छे से ग्रो कर पाए, वो पीज़ जो है अच्छे से अभी फल फूल रहे। ओके, उनके ये एक्सपेरिमेंट से उनको निकल कर ये समझ में आया। उसके बाद है कि प्लांट हैव अ लॉट मोर देन 5 सेंस, यानी ये जो है यही एक साइंटिस्ट थी जो कि ये समझना चाह रही थी कि प्लांट्स के बाद पास रियली ऐसी कुछ सेंस है। तो उनका एक जो होता है ना कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन जो निकल कर आया, वो ये कह रही थी कि प्लांट्स के पास जो है ना काफ़ी सेंस है, 5 सेंस से भी ज़्यादा सेंस है, जो कि ये अपने एक्सपेरिमेंट में निकाल कर लाई थी। ओके, तो ये इनकी कुछ कवर स्टोरी दी गई है, जो कि हमारे कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इस मैगजीन्स का ना वो आपको क्रक्स पॉइंट दे दे रही हूँ कि इस मैगजीन्स में एक्चुअली है क्या, और इस मैगजीन में आपको मिलेगा क्या। ओके, वैसे आप देखो तो इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिल सकती है, जैसे आप केस स्टडी इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कोट कर रहे हो उसमें केस स्टडी देना हो तो आप इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हो, या फिर एथिक्स में अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई आ जाती है क्वेश्चन तो आप उसको भी कोट कर सकते हो। ओके, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट एडवर्टीजमेंट की तो बाढ़ लगी रहती है। फॉल्ट लाइन्स इन एक्सप्रेस वे, ओके, तो ये क्या है कि कलरफुल, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेसर हिमालय, जो कि मुनि की रेटी, आपको ऋषिकेश में ये मिलती है। यहाँ पे प्रिटी पिक्चर ये लिया गया है वहाँ का। फ्लोरेसेंट येलो ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, जैसे कि जैकेट डॉट की जैसा यहाँ पे एक येलो वर्कर्स दिख रहे हैं, और ब्राउन डिब्रिस दिख रही है, जो कि आपको उत्तराखंड के माउंटेन में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका
तो यहाँ पे आपका लेसर हिमालय के बारे में पूरा बताया जा रहा है, जो आपका उत्तराखंड में है। तो वहाँ से बहुत सारी रोड जाती है और रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे माउंटेन से माउंटेन को काट के रोड बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका चार धाम भी देखने को मिलता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। फिर लेसर हिमालय जो है वो आपको हिस्ट्री में फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगा कि वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत आती है, क्योंकि यहाँ का रिसेंट ओरिजिन अगर आप देखोगे तो बहुत ही अनस्टेबल है। ओके, 2003 से देखें तो यहाँ पर मैसिव लैंडस्लाइड जो है वो 100 बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और 3000 पीपल से ज़्यादा भी आज के डेट में मारे जा चुके हैं। यहाँ पे हेवी रेन्स हुआ था 2016 में, जो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डेथ का सामना करना पड़ा था। बाकी यहाँ पे वही बताया जाती है, अगर चार धाम हाईवेज आप देखोगे तो यहाँ पे मैप पे देख लो कि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा। ये आपका यमुनोत्री है, ये गंगोत्री है, ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है। ये पूरा उत्तराखंड की आपको टेरिटरी दिखेगी। ओके, तो ये आपकी रेड कलर की धाम है, ये मेजर जंक्शन है और यहाँ पर DTE स्टॉप ओवर है। ओके, तो ये आपको जंक्शन दिखेगी। ऋषिकेश से होते हुए ही हम लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं। ऋषिकेश से आपको एक ऐसा पॉइंट दिखेगा जहाँ से होकर ही आप चार धाम जा पाओगे। ओके, तो इसीलिए ऋषिकेश को जो है यहाँ पर मानी जाती है। ऋषिकेश आगे बढ़ोगे तब आपको मुनी की रेती यहाँ पे दिखेगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे ये सब स्टॉपेज दिखेगी, फिर आपको यहाँ धारासू आएगा, धारासू से फिर आप डायरेक्ट यमुनोत्री और फिर उसके बाद गंगोत्री जा पाओगे। ओके, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा रुद्रप्रयाग, उसके बाद आप केदारनाथ जा पाओगे, फिर बद्रीनाथ जा पाओगे। तो ये आप देख लो, ये सब मैगजीन पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया हो जाता है। लैंडस्लाइड यहाँ जो है वो आपको काफ़ी कंक्रीट वॉल को ब्रीच कर देती है, तोड़ देती है। लैंडस्लाइड जो है वो मानसून में ज़्यादा आती है, अगर जुलाई के टाइम पर देखें, क्योंकि माउंटेन जो है उस समय पूरी तरीके से कट जाती है हेवी रेनफॉल के कारण। ओके, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये लेसर हिमालय के बारे में बताया जा रहा है, जो कि इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस अगर आप घूमना चाहते हो चार धाम और अगर उत्तराखंड के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो इसको आप पढ़ सकते हो। ओके, वैसे कुछ खास यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्लीज किए गए हैं, जिसके थ्रू जो है 4 डे का जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है अनिल अग्रवाल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में राजस्थान में, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कॉल किया जा रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारा जो है ये वाली काफ़ी टाइम हो गई है और इस ये जो है मैगज़ीन के आप ओवरव्यू देख लिए हो। तो ये मैगज़ीन अगर हर महीने की आपके पास मिलती है तो आप मुझे भेज सकते हो, मेल कर सकते हो rishika.ch77@gmail.com। ओके, तो इस पे आप मेल कर सकते हो और साथ ही अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि ये PDF मैं आपको समझा दूँ, या फिर अगर आप कोई भी बुक अगर समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और आपको अगर कोई भी क्वेरी, सजेशंस या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।